हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मौसम समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। तो मौसम विभाग की ओर से 72 घंटे का हरियाणा में अलर्ट जारी किया है। जानेंगे मौसम अपडेट। तो हरियाणा के इन जिलों में अब हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने ताज़ा मौसम बुलेटिन में बताया है। हम आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप रोज हरियाणा की मौसम समाचार की ताजा जानकारी सही समय पर पाना चाहते हैं तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो बता दें कि हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर, हीट वेव के चलते घरों से निकलना दूभर, 72 घंटे राहत की उम्मीद नहीं। हरियाणा में मरुस्थली पश्चिमी शुष्क हवाओं का आगाज जारी है, जिसके चलते आमजन को भीषण गर्मी व लू का सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। तड़के ही गर्मी का एहसास होने लगता है। दिन चढ़ने के साथ ही सड़कों पर सुनसान होने लगती है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में अधिकतम पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 72 घंटे में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है, पारे में और वृद्धि की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान के लगते प्रदेश के पश्चिमी दक्षिण जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी पर बलूचिस्तान व थार मरुस्थल की पश्चिमी गर्म तथा शुष्क उष्ण हवाओं का जबरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया है, कमजोर मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह व दोपहर बाद प्रदेश में अनेक स्थानों पर आंशिक बादलवाई के साथ तेज गति से धूल भरी हवाएं चली हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में लू का आगाज जारी रहेगा। इसके बाद कुछ राहत की संभावना बन रही है, क्योंकि एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावनाएं बन रही हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि हरियाणा के उत्तरी जिलों में 10 जून और 11 जून को बीच बीच में आंशिक बादलवाई व तेज गति से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। तो हरियाणा के जो उत्तरी जिले हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इन जिलों पर आंशिक बादलवाई देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर झुटपुट बूंदाबांदी देखने को भी मिल सकती है।